भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जेबें भरने का काम किया है, उसी से इनके कार्यालय बन रहे हैं। आपने पता होगा आपको दिल्ली का कार्यालय इतना बड़ा बना है, अरबों खरबों का बना है, हर जिलों में कार्यालय बन रहे हैं, संघ के कार्यालय बन रहे हैं, संघों के लोग मजा उड़ा रहे हैं, जो संघ के आदर्श के लोग हैं गाड़ियों में घूम रहे हैं, आपका मेहनत का पैसा कमाई है और ये लोग लुटा रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये आपके हितों के लिए, देश के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, जिले के हित के लिए और आपके गांव के हित के लिए आदरणीय बहन जी ने और अखिलेश जी ने जो गठबंधन किया है, इसलिए आपको जागना है। हम तो मात्र केवल आप जिताएंगे तो यहाँ से जीत के जाएंगे, आपकी लड़ाई पर लड़ने का काम करेंगे, ललितपुर की लड़ाई पर लड़ने का काम करेंगे, लेकिन समझ लेना कि एक वोट से भी केंद्र में सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की रीति को बेचारे बनेंगे। तो बेचारा नहीं बनना है। अब जो चाय बेचने वाला चौकीदार बन करके आ गया और कह दिया सब चौकीदार बन जाओ, जब चाय बेच करके इतना पैसा कमा ले गया तो आपके पैसे का चौकीदार बन जाएगा और भीतर से करवा लेगा, जैसे नोटबंदी में जो महिलाओं के पर्स में भी पैसा थे वो भी निकलवाने का काम इस चौकीदार ने कर लिया, तो आप समझ लो वो पैसा भी निकाल लेगा, आपको बर्बाद करने का काम कर देगा। इसलिए उसको वोट नहीं देना है, मत नहीं देना है, लुभावनी बातें नहीं आना है और अपने गठबंधन को इतना मजबूत करना है कि पास पड़ोस में हमारे मध्य प्रदेश में भी गठबंधन हो गया है, महाराष्ट्र में भी गठबंधन हो गया है, पूरे देश के नेता परेशान है कि अगर ये गठबंधन हो जाएगा तो इस गठबंधन का कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इस प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे प्रदेश की अहम भूमिका रहती है और जब प्रदेश से 80 सीटों में गठबंधन 70-75 में जीत करके जाएगा तो गठबंधन का प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री कौन होगा। माननीय अखिलेश जी से तो मीडिया वाले रोज पूछते हैं तो उन्होंने कहा दिया हम बनने वाले नहीं, हम तो बनाने वाले हैं और जब बनाएंगे तो महागठबंधन में कौन है, बहन जी के अलावा कोई नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं देश की बागडोर आपके हितों के आने वाली है, जो आपके ऊपर जबरदस्ती कर थोप रहे हैं, टैक्स थोप रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा और जनहित के काम होने लगेंगे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है, एक भी वोट ना बटने पाए और एक भी वोट ना घटने पाए। तो हमारा बहुत वोट है, हमारे लोग बहुत मजबूत हैं, हमारे दोनों दलों के कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं, बड़े हौसले में हैं और सौभाग्य का विषय है कि इतने बढ़िया प्रत्याशी हमको दिया है कि जो सभी लोगों के लिए स्वीकार है। कि ये गठबंधन जब जब हुआ तब तक प्रदेश स्तर पर जैसे पहले मानवर काशीराम जी का मुलायम सिंह जी का हुआ था तो गठबंधन मजबूत होकर के उभर के आए, लोगों ने सुझाव भी दिए और उस सुझाव के आधार पर हमारे दोनों राष्ट्रीय नेताओं ने गठबंधन किया है और ये गठबंधन अकेले प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में भी ये गठबंधन हो गया है, महाराष्ट्र में भी हो गया है और जहाँ जहाँ आगे चुनाव होंगे वहाँ सभी जगह हमारा ये गठबंधन लागू रहेगा। और जब गठबंधन के लोग और फूलपुर देख लिया ना गठबंधन, ये बताओ 44 दलों से गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी देश में राज्य कर रही है और हमारे प्रदेश में भी कम से कम 15 लोगों से राज्य कर रही है प्रदेश में गठबंधन से, तो हमारा तो चार दलों का गठबंधन है, तो अब 3-4 दलों का गठबंधन है तो इतने क्यों घबराए हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी इस गठबंधन से, क्यों उनको नींद नहीं आ रही है। एमएलसी साहब शराब और शबाब कह दिया है, उनकी जबान में हमें पता ही नहीं लगता है कि कब क्या बोल जाए। वो राहुल गांधी को कहते थे लेकिन वो राहुल गांधी से बचकानी हरकत करने लगे हैं, उनसे तो राहुल गांधी अच्छी भाषा बोलते हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह की अशोभनीय भाषा दूसरे राष्ट्रीय दलों के लिए क्षेत्रीय दलों के लिए बोलेगा, बहुजन समाज पार्टी हमारी राष्ट्रीय दल है, समाजवादी हमारी क्षेत्रीय दल उत्तर प्रदेश में है, जब हमारे दलों के राजनीतिक दलों के लिए ऐसी भाषा हमारे आदित्य बोलेगा तो क्या होगा इस दिन?